प्रयागराज में प्रेमी प्रेमिका के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला। दो बालिक की जिंदगी में तीसरे के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप का नहीं कोई अधिकार। हाईकोर्ट ने प्रेमी और प्रेमिका को साथ रहने का दिया आदेश। गोंडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल गोंडा आएंगे, 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने। कल गोंडा आएंगे डिप्टी सीएम का बालपुर के बमडेरा में कार्यक्रम। दोपहर 2:15 पर डिप्टी सीएम पहुंचेंगे गोंडा। दिवंगत वीर विक्रम बहादुर सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। बांदा में आवारा सड़कों के बीच सड़क पर तांडव। काफी देर तक सड़क पर मची रही अफरा तफरी, छात्राओं ने भागकर खुद को किया सुरक्षित। शहर में है अन्ना और आवारा जानवरों का आतंक, शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल जर्जर हालत में कच्चे मकान की गिरी छत, छत के मलबे में दबने से युवक हुआ घायल। घायल को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस। संभल क्षेत्र के नूरियों का मामला। अमरोहा मुठभेड़ में 3 अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरफ्तार। शातिर चोरों से 9 चोरी की बाइकें बरामद। दिल्ली से चोरी की गई इको कार भी बरामद। आरोपियों से अवैध असलहे भी बरामद। थाना डिडौरी पुलिस ने की गिरफ्तारी। हामिरपुर नेशनल हाईवे 34 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौदाह के टेलीफोन एक्सचेंज रोड का मामला। चंदौली में पेट्रोलियम पदार्थों की ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा। लगभग 70,000 लीटर डीजल बरामद। डीजल भरे 3 टैंकर समेत 3 चालक हिरासत में। महावीर कार को पेट्रोल पंप से बिहार भेजने का खुलासा। ज्यादा मुनाफे के लिए बिहार में सप्लाई का खुलासा। बांदा पुलिस रंजिश के चलते दबंग ने मारी गोली। गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में किया गया रेफर। एक पुराने मुकदमे में गवाह है पीड़ित व्यक्ति। फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। अतारा कोतवाली में बालन गाँव की घटना। अमेठी में शारदा सहाय खंड 49 नहर में मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा। जामो थाना क्षेत्र के भोए का मामला। कानपुर कूड़े के ढेर के पास लगी फास्ट फूड की दुकानों में आग। आग लगने से सड़क के किनारे कई दुकानें हुई राख। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया काबू। फुटपाथ पर अवैध रूप से बना रखी थी दुकानें। बस्ता में अयोध्या नगर क्षेत्र की घटना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।